हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में महानगर में स्थापित होने वाले दुर्गा पूजा के समितियों की बैठक गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवाश्रम में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह, हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, ऋषि मोहन वर्मा, वीर सिंह सोनकर, नगर निगम के उप सभापति जितेंद्र सैनी सहित अन्य पदाधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी और दुर्गा पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें मुख्य रूप से बिजली के तार, पंडालों के आसपास अराजक तत्वों का जमावड़ा, जर्जर सड़कें सहित अन्य समस्याएं शामिल रहीं, जिनको संज्ञान में लेते हुए उसके समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, विधायक विपिन सिंह ने कहा कि पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है। आदरणीय ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जी, एडीएम सिटी साहब पीके मल्ल जी और यहाँ उपस्थित अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के जो पंडाल सजे हुए हैं, आयोजित हैं, उसके आयोजकगण, व्यवस्थापकगण, अभी आप लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं पंडाल के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है और लगातार हमारी जो पुलिस है ये थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में, बीट में पेट्रोलिंग गश्त के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और जो भी संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले मोहल्ले हैं या जो आप लोगों ने अभी पॉइंट चिन्हित किए हैं, जैसे तिवारीपुर के बारे में बताया गया, चिल्मापुर के बारे में बताया गया, लच्छीपुर के बारे में बताया गया, वह हम लोगों ने उसको नोट किया है और हम लोगों के संज्ञान में पहले से ही है। शाम से संभावना ज़्यादा है कि सप्तमी के दिन से ही ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर बनाइए कि वहाँ पर लोग पंडाल में प्रतिमा के
प्रबंधन के दौरान भी जो मेरा आदमी निशानों के जरूर से शांत है, जिससे कई बार परंपरागत तरीके से लोगों के निर्धारित है उनके साथ में आगे पीछे करके कई बार लोगों ने इस बात को उठाया है कि आगे पीछे ले करने को लेकर के बाद जिम्मेदार आदमी रहेंगे भारतीय रहेंगे हम लोग उनसे बात करते हैं समस्या का समाधान का निकाले और बाकी जो सुरक्षा के संबंध में तैयारी उसी साल की गई थी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार और सुरक्षा बहुत बेहतर और सस्ता हो और यह त्यौहार हम लोग नए साल से उल्लास के साथ मनाए यह त्यौहार मनवाने में गोरखपुर की पुलिस और सारे अधिकारियों के साथ और मुझे आशा है कि विश्वास है कि त्यौहार पिछले वर्ष की तुलना में एक साल और भी आज को उल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे। धन्यवाद। तो उसको तुरंत मरम्मत करा लिया जाए जैसा कि गुरु महाराज ने 12 तारीख को
सुना मुख्यमंत्री जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि शहर में कहीं गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी।